नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 जो हमारा वीडियो का ये पार्ट नंबर 2 है आपको ले चलते हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित दैट इज एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चंस हैं उनके। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट। क्या होता है लाइन ऑफ साइट, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं भी रखा है, चाहे ऊपर रखा हो चाहे नीचे रखा हो, आप खड़े हुए हैं, ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, तो आपकी आई से, आपकी आंखों से जो रेज निकल के उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो जो रे बनती है उस रे को ही कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अगर इसे मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए तो इसे ऐसे बोलेंगे, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो आंखों से निकलने वाली रे जो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो आंखों से और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रे बन जाती है उस रे को ही हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब आप यहाँ पे इसे डायग्राम के फॉर्म में समझ लीजिए कि किस तरह से ये लाइन ऑफ साइट बनती है। मान लो आपका ये एक ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे थोड़ा सा, जस्ट ए मोमेंट, यहाँ पे मैंने लाइन को थोड़ा सा त्रिक ड्रॉ कर लिया है। तो ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे आपका ये कोई भी ऑब्जेक्ट, वॉल है या माउंटेन है या फिर टावर है, कुछ भी है, तो ये 90 डिग्री, हमेशा ये भी याद रखो कि ये जो भी ग्राउंड पे होगा, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो टावर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको 90 डिग्री ही लेके चलना है। ठीक है, अब इस मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए ये आपका टावर है। ठीक है, और इस टावर पे ये कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई पर्सन देख रहा है। ठीक है, तो यहां से जब आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, आप मीन्स ऑब्जर्वर है, और आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपके आंखों से जो ये रे निकलेगी और इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो रे पड़ेगी उसी को आप कहेंगे लाइन ऑफ साइट। तो ये आपकी जो हो जाएगी वो दैट इज द लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन है, इस लाइन को ही आप कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और यहां पे आपका क्या था, यू आर हियर, यू आर ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर बनके आप इसे देख रहे हैं, और यहां पे कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट, एनी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को जब आप इसे देख रहे हैं टॉप पे नीचे से, तो आपका जो लाइन ऑफ साइट बनेगा, लाइन ऑफ साइट से मिलके ग्राउंड मिलके, और ये जो अगर टावर है तो टावर मिलके, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है उसको पता करेंगे। तो पहली चीज ये हो गई लाइन ऑफ साइट। आगे बढ़ते हैं इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे 3 ही पॉइंट है, ओनली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सॉल्यूशंस। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका क्वेश्चंस में कोई यूज नहीं है। ठीक है, इतना ही यूज है कि आप जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो वहां लाइन ऑफ साइट कहां जाएगी, बस ये देखना है। तो आप देखिए, ये तो हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। इसके बाद सेकंड थिंग्स इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसको भी आप ध्यान से समझिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, फिर आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से करते रहेंगे। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी आप समझिए कि किस तरह से होता है। आपका ये ग्राउंड हमेशा रहेगा इस क्वेश्चन में, जहां भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां आपका ग्राउंड रहेगा। तो मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपका ये ग्राउंड है,
और इस ग्राउंड पे कोई ये पोल खड़ा हुआ है, पोल की जगह कुछ भी हो सकता है, और आप इस समय आप देख रहे हैं, तो आप जब लाइट को देखेंगे तो आपकी आंखों से ये जो लाइन ऑफ साइट है, जो आंखों से रे निकलेगी वो इस लाइट पे पड़ेगी। तो ये जो लाइट पे पड़ गई है तो ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यही है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड के साथ बनेगा, और यहां आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे थे, और इस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दे दिया लाइट। तो आप यहाँ पे जो लाइट जल रही है उसको आप देख रहे थे, ये आप यहाँ पे हैं, ऑब्जर्वर हैं, और ये आपकी क्या होगी, ये हॉरिजेंटल लाइन होगी। इस लाइन को आप कहेंगे हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, ये लाइन ऑफ साइट होगी, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को ही आप कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट अस, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये चीज हो गई आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इसे मैथमेटिकली डिफाइन करें तो इसको आप बोलेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट viewed in the angle from by the line of sight with the horizontal when the point being viewed in above the horizontal level in the given figure you can see that this is the angle of elevation। तो simply अगर आप generally यहाँ पे याद रखें तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनेगा, ठीक है, और वो ग्राउंड के साथ बनेगा। ग्राउंड आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। तो बस सिंपली याद रखना है कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन का वर्ड आपके क्वेश्चन में हो तो आप एंगल को नीचे बनाएंगे, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, एंगल को नीचे बनाएंगे, नीचे का मतलब ग्राउंड में या हॉरिजेंटल लाइन पे बनाएंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इज, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एक तो आप डिप्रेशन समझते हैं, तो डिप्रेशन का मतलब होता है आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिप्रेशन में, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ पे है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है उसे आप अच्छे से और समझ लीजिए। ये तीन चीजें समझने के बाद फिर आपको इसमें और कुछ ज्यादा नहीं समझना है। सो नेक्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो दिस इज द थर्ड थिंग्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है आप समझ लीजिए कि इस समय मान लीजिए अब आपको कोई हाईएस्ट थिंग्स चाहिए, ऑब्जेक्ट वो चाहिए, तो मान लो आप माउंटेन पे खड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई हाईएस्ट बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग है उस पे आप खड़े हुए हैं, तो उस जब आप ऊपर खड़े होंगे तो आप जब जनरली आप इधर उधर देखेंगे कि ऊपर से नीचे का जो नजारा है वो कैसा दिख रहा है। तो मान लीजिए कि आप, ये आपका माउंटेन है और इस माउंटेन पे आप खड़े हुए हैं, ठीक है, इस माउंटेन पे खड़े होकर और आपकी यहां पे जो ग्राउंड है वो इस तरह से, ये आपकी ग्राउंड है, ठीक है, और आप ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर आप यहां पे खड़े हुए हैं। तो जब भी आप किसी भी ऊंचे पॉइंट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे, सामने देखेंगे कि कितना कैसा दिखाई दे रहा है आसपास का। तो आप जब सामने देखेंगे तो आपकी आंखों से ये रे निकलेगी, ये रे आपकी ग्राउंड के, जो ग्राउंड है उसके ठीक पैरेलल होगी, तो
तो ये रे आपकी आंखों से निकल के आपके आसपास के माहौल को देखेगी। उसके बाद आप मान लो कि ग्राउंड, अब आप नीचे ग्राउंड में देखेंगे, सबसे पहले ऊपर पहुंच के आप देखेंगे कितने ऊपर आ गए और ऊपर से कहां कहां तक का दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये तो आपने देख लिया, अब आप देखेंगे कि आप कितने ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे जो ग्राउंड है वो ग्राउंड कैसा दिख रहा है। तो मान लो यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को, आप ऑब्जर्वर हैं, आपकी आई यहां पर है और जब आप ऑब्जर्वर हैं यहां से आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपकी आंखों से आई ऑफ साइट यहां से निकलेगी और इस ऑब्जेक्ट पे सीधी पड़ेगी आके। तो आप देखिएगा कि जो आपने हॉरिजेंटल लाइन यहां पे है, जो आपने पैरेलल ग्राउंड के पैरेलल सामने देखा था और फिर आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये आपकी जो लाइन ऑफ साइट इस समय ये वाली होगी, लाइन ऑफ साइट आप इसे कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। हमेशा जो ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी वही लाइन ऑफ साइट होगी और ग्राउंड के पैरेलल ये है। तो इस रे और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है, इस एंगल को ही आप कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपका एंगल जो भी है, अगर हम इसे थीटा ले लें या अल्फा बीटा कुछ भी ले लें, तो ये एंगल आपका लाइन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो यहां पे आपको सिंपली क्या याद रखना है कि ऊपर से टॉप पॉइंट से अगर आप ग्राउंड के किसी भी पार्ट को देख रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, उस हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो टॉप पर एंगल बनेगा, उस एंगल को ही आप कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और यहां पे इस लाइन को आप कहेंगे हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई एंगल ऑफ डिप्रेशन की, और इधर आपने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप पे बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। तो ये चीज हो गई। अब अगर इसे मैथमेटिकली डिफाइन करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इन द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजेंटल लेवल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इन बिलो द हॉरिजेंटल लेवल। इन द गिवन फिगर यू कैन सी दैट दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज द लाइन ऑफ साइट, देन दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना भी है, अगर आप देखें तो यहां पे ये आपका जेड फॉर्म बन गया, बिकॉज दिस हॉरिजेंटल लाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड, तो ये जेड फॉर्म बन गया। तो यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी फॉर्म हो जाएगा। तो जितना वैल्यू इस एंगल का होगा उतना ही वैल्यू ये एंगल का भी होगा। तो दिस इज ऑल्सो एंगल इज थीटा। तो पहले आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद फिर आप इस एंगल को यहां पे ले आएंगे। सो इफ दिस इज 30 देन दिस इज आल्सो 30, इफ दिस इज 60 देन दिस इज आल्सो 60, इफ दिस इज एनी अदर एंगल देन यू कैन से दैट दिस इज सेम। तो इस एंगल को भी आप नीचे ले आएंगे, लेकिन डायग्राम में आपको ये शो करना कंपलसरी है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पर है। तो याद हो गया होगा आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप पॉइंट पे होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। तो इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है और जनरल जो फॉर्मूला आपका यूज होना है जिसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सो दिस इज टेन थीटा इक्वल टू 10 मीन्स यू नो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, ओके, सो 10 मीन्स पी बाई पी,
बस इसे ही आपको यूज करना है। और किसी किसी क्वेश्चन में इसका अपोजिट cot भी यूज कर लेंगे, तो cot बहुत ही कम केस में होगा, एक एक किसी एक दो क्वेश्चन में होगा, तो ये BYP हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इसी का अपोजिट है। और एक दो क्वेश्चन में साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला भी आप अच्छे से जानते हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, दैट इज P/H, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो साइन एक ही दो क्वेश्चन में यूज होगा, कॉट भी एक ही क्वेश्चन में किसी में होगा, जबकि टेन सारे क्वेश्चंस में इसी फॉर्मूले का यूज करना है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर हमेशा ये लाइन आपकी होती है, जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, चाहे वो पोल हो, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो टावर हो, कुछ भी हो सकता है, सो दिस इज द परपेंडिकुलर। और बेस आपका हमेशा ग्राउंड रहेगा, तो ग्राउंड पे जो भी ये आपकी बेस लाइन है, ग्राउंड की लाइन है, उसको आप बेस कहेंगे। तो ये फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, एक्सेप्शनल केस में साइन और कॉट यूज होंगे, और कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। सो एंजॉय द सॉल्यूशंस ऑफ द दिस एक्सरसाइज, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम इसके आंसर को फाइंड करेंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे, ये सारी चीजें अब हम लोग आनंद उठाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree and this is the figure for the given instruction। मैंने भी एक पोल बना दिया, ये पोल है और इस पोल पर एक रस्सा बंधा हुआ, ये आपका ग्राउंड है। हमेशा याद रखिए कि कुछ भी होगा, ग्राउंड वहां पे जरूर होगा, चाहे माउंटेन हो, चाहे पोल हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे टावर हो, चाहे फ्लैग हो, कुछ भी हो, लेकिन वहां ग्राउंड पे ही सारा वर्क होगा, क्योंकि ये आपका स्काई में नहीं हो सकता है, या फिर आपका कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं हो सकता जहां पे ग्राउंड ना हो, तो सभी कुछ ग्राउंड में होगा। सबसे पहले आपने ग्राउंड खींच लिया, ग्राउंड खींचने के बाद आपने ये पोल खड़ा कर दिया। अब पोल खड़ा है तो ये कह रहा है कि पोल पे एक रस्सा बंधा हुआ है, रोप इज टाइडेड एंड दिस इज ऑल्सो टाइडेड एट ए पॉइंट ऑफ ए ग्राउंड। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक रस्सा लिया और इस रस्से को ग्राउंड से टाइट कर दिया, इस पॉइंट पे ये आपका रस्सा टाइटली बंधा हुआ है, तो इसका नाम हमने लिख दिया ए बी, जो आपका रोप है, और ये पॉइंट दे दिया सी, और ये हमेशा याद रखो दिस इज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। तो कहा गया द लॉन्ग रोप 20 मीटर, जो रोप है वो आपका 20 मीटर है, तो आपने यहां पे जो रोप तो यही है, तो ये आपका 20 मीटर हो गया। और उसके बाद में कह दिया कि जो एंगल है वो 30 डिग्री, ग्राउंड से जो रोप का एंगल है वो 30 डिग्री है, तो ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे कह दिया है ये बताओ कि ये जो पोल है इसका हाइट कितना होगा, तो चलिए हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, हमेशा याद रखिए राइट ट्रायंगल आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे जितना वर्क होगा वो राइट ट्रायंगल में ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री विल बी अप्लाई ओनली इन ए राइट ट्रायंगल। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो ABC में जब हमने यहाँ पे राइट ट्रायंगल ले लिया तो क्या होगा, we have के साथ the get भी लिख सकते हो, tan, you will use there tan theta equals। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जो दिया है रोप जो दिया है, this rope is known as the hypotenuse, okay? और hypotenuse किस में आता है, साइन और कॉस में आता है, इसके अलावा ये किसी में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे टेन यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे यूज करेंगे साइन, सो यू विल यूज देयर साइन थीटा
इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. ओके, सो यू नो दैट हियर थीटा इज गिवन दैट 30 डिग्री. सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स एसी, एंड बाय हाइपोटेनस मीन्स दिस इज गिवन दैट 20 मीटर. एंड नाउ यू नो एंगल 30 डिग्री. तो आप जानते हो मैंने आपको फिंगर बताए थे, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है. ठीक है, तो सेकंड नंबर आपकी ये इससे पहले कितनी फिंगर है, वन ही फिंगर, वन बाई टू. वन बाई टू इज ए सी बाई 20. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 ए सी हो जाएगा, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 वन जा 2 एंड 2 टेन जा 20. ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो या वैसे करते चाहे जैसे करो, ये सोल्यूशन आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, बट गो टू द प्रॉपर वे. सो यू विल मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट यू विल गेट व्हाट, दैट इज ए सी बन जा ए सी एंड 10 बन जा 10 मीटर. सो दिस ए सी इज द हाइट ऑफ द पोल, सो यू फाइनली राइट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर. तो ये तो जनरल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था. ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें आ सकता है. तो ये जनरल दे दिया जाएगा, आप बस एक सेकेंड लगाइए, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर हो गया. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, वैसे नहीं आता है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन था, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन यूज करने होते हैं. तो ये आपका जनरल 2-3 लाइन में इसका आंसर आ गया. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका जनरल क्वेश्चन ही है. ये क्वेश्चन क्लास 8 में आपने पढ़ा हुआ है. तो क्या है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच The ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री. क्या मतलब है, एक आपके पास लॉन्ग ट्री है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंड एन एंगल 30 डिग्री विथ इट. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree. So let us enjoy the solution of this question. Ground पे खड़ा कर दिया tree. ये आपकी ground है और इस ground पे आप देखिए ध्यान से, मैंने इस tree को यहाँ पे खड़ा कर लिया. ये हमेशा 90 degree का angle ही बनाएगा. ठीक है, अब बहुत तेज से स्टॉर्म आया और ये स्टॉर्म आते ही ये ट्री आपका बेंड हो गया, टूट गया. और टूटने से क्या हुआ कि ये जो यहां से टूट गया और यहां से टूटा हुआ पार्ट आपका जो ट्री था वो इस तरह से था, यहाँ पे आपके जो लीव्स हैं वो आपके लगे हुए थे और ये पार्ट यहां से टूट के सीधा यहाँ पे गिरा के. ठीक है, तो अब आपको ये बताना है, ये अभी भी यहाँ पे अटैच्ड है, टच्ड है, बिल्कुल अलग नहीं हुआ, बिल्कुल दूर नहीं गिरा, इस तरह से ये है. तो आपको ये बताना है कि ट्री का हाइट कितना है. तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए, आप देखो उसी पार्ट के हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे. तो हमने इसको ले लिया, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज एच, और इसको ले लिया हमने कैपिटल एच भी ले सकते हो. ये हाइट मैंने ले ली एक्स और ये हाइट ले ली वाई, चूंकि ये टू पार्ट्स हो गए इसके, तो ये एक्स कहां से कहां तक है, ओनली दिस पॉइंट तक, और ये आपका है वो है आपका इस पॉइंट तक. ठीक है, ये एक्स हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया बाई. अब आप देखिए जैसे जैसे ये ट्री, उन्होंने कहा ट्री बेंड हो गया, अब इन्होंने वही काम कर लिया. अब आगे और क्या कहा, ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट टॉप पार्ट द ट्री टच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर लिया इसने,
मेकिंग एंगल 30 डिग्री, जो आपका ये ग्राउंड से टच कर रहा है उसके बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो हमने वो भी एंगल बना दिया। इसके बाद फिर क्या कहा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री है उस ट्री का फुट ये पॉइंट माना जाएगा जहां पे ये खड़ा हुआ है, दिस इज द पॉइंट ऑफ फुट ऑफ द ट्री। तो यहां से लेकर जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है, इट क्लियरली सेज दैट इन दिस क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपका पूरा, तो टॉप पार्ट जहां पे टच कर रहा है उसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दिस इज 8 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और कुछ नहीं दिया है, अब आपको हाइट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, डायग्राम नहीं दिया है, तो अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा कि आपका ट्री कौन सा है और क्या क्या है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देने से पहले इसका आप नाम लिखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, हमने यहां से शुरू कर दिया, ए बी सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस इज बी डी, बी डी इज ए ट्री ऑफ हाइट 8 मीटर। इसका पूरे ट्री का मैंने हाइट क्या ले लिया, एच। ओके, तो ये लिखना, ये अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ये कोई डिफाइंड लैंग्वेज नहीं है कि आप जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही आपको लिखना है, आपको ये बताना है कि ये ट्री है और इसका हाइट इतना है, ठीक है। सो लेट बी डी इज ए ट्री ऑफ हाइट 8 मीटर एंड, अभी लेट में ही सारा चल रहा है, बी सी इक्वल टू एक्स मीटर एंड सी डी इक्वल टू वाई मीटर, और क्या दिया है, बी ए बी इक्वल टू 8 मीटर, और नेक्स्ट वन थिंग्स इज ऑल्सो गिवेन, दैट इज एंगल बी ए सी लिख सकते हो या फिर सी ए बी लिख सकते हो, एंगल सी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से इतना डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा, इसका इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि जो डायग्राम बनाया वो कैसे कैसे है, क्या चीज उसमें दे रखी है, तो वो आपने लिख लिया। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन, यस ऑफ कोर्स। सो देयर इन राइट ट्रायंगल एंड द राइट ट्रायंगल इज बी ए सी या फिर ए बी सी लिख सकते हो, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी you know that, yes, tan theta equal to, मैंने आपको बताया कि सारे questions में tan ही use होना है, so you will write here tan theta equal to p by b and perpendicular here is bc upon b means base means ab and after that you will put all the values, so theta is given that 30 degree. So you replace this theta by 30 degree and then BC is given how much, X. After that, this is AB. AB is given that 8 meter. So dear, you know that here is 10 and 30 degree means 30 degree. तो यहीं पे होगा। तो आप क्या करेंगे? Tan theta होता क्या है? Sin upon cos होता है। तो साइन में आपको नीचे से काउंट करना है तो 1 आएगा, अंडर रूट 1। टेन का वैल्यू क्या, मैंने कैसे सिखाया था, अंडर रूट 1 करा था कि शायद आपके पास आवाज नहीं जा रही इसलिए मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1/√3 कितना होता है, यस इट इज 1/√3 and equal to x upon 8 meter, cross multiplication जब आप करेंगे तो in what you will get by cross multiplication, yes it is 8 and it is under root x, ठीक है। तो आपको कैसे कर लेना है, आप सीधा क्या करिए,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो अंडर रूट 3x इक्वल टू 8 मीटर हो जाएगा, ओके okay? या तो फिर x इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई अंडर रूट 3 मीटर। सो लेट अस दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, आप क्या करेंगे, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये पता करना है y का वैल्यू। तो देखो ये पार्ट ही टूट के यहां पे गिरा है आके, सो दिस इज सेम थिंग्स, जो पार्ट टूटा है वही पार्ट ग्राउंड पे लगा है, तो ये वैल्यू भी आपका कितना होगा, ये वैल्यू भी आपका वाई होगा। तो अगेन इन राइट ट्रायंगल सेम दैट इज एबीसी, सेम ट्रायंगल में ही आप करेंगे, लेकिन यहां पे रेशियो चेंज कर देंगे। रेशियो में आप देखिए हाइपोटेनस लेना है, तो हाइपोटेनस साइन और कॉस में होता है, तो आप लिखेंगे सिंस साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड हियर इज परपेंडिकुलर इज दैट इज बीसी एंड हाइपोटेनस इज एसी, सो यू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, थीटा इज गिवन 30 degree and BC is given that X and AC is given that Y. So sin 30 degree अभी आपको बताया था 1/2 X upon Y. फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आ जाएगा, आप देखेंगे कि Y बन जा Y होता है और ये 2X हो जाएगा, तो Y equal to 2X, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गए। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू और दूसरे बाद में पुट करेंगे, या y पुट कर भी दीजिए, तो y का वैल्यू आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x इज 8 अंडर रूट, तो 8 और में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 8 बाई अंडर रूट 3, तो कितना हो गया 16 बाई अंडर रूट 3 मीटर, ये आपका आ गया y का वैल्यू। अब आगे बढ़िए कि y का वैल्यू तो आपको मिल गया कितना, 16 बाई अंडर रूट 3 मीटर, आपको चाहिए हाइट ऑफ द ट्री, सो फाइनली यू विल राइट हाइट ऑफ द ट्री इज नाउ हाइट ऑफ द ट्री दिस इक्वल टू h इक्वल टू x प्लस y, this is the height of the tree and the height of the tree you can see here in this diagram, aap acche se samajh lijiye ki yahan pe diagram mein tree ka height kitna hai, aap dekhiye this is x this is y and h equal to x plus y, dono ko plus karenge tabhi height milegi, aur pure height ko humne kya denote kiya h se, to yahan pe hum likhenge x plus y, तो यहां से x और y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू है आपका 8 बाई अंडर रूट 3 और y का वैल्यू अभी फाइंड हुआ 16 बाई अंडर रूट 3 और ये यूनिट इसका मीटर है, 8 आप देखेंगे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, 16 और 8 कितना हो गया 24 बाई अंडर रूट 3 मीटर, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 24 को लिख सकते हो 3 इंटू 8, 3 जा 24, 3 इसलिए क्योंकि ये 3 हटाना है, तो हम रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 8 बाय अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है, तो आप देखो हमने यहाँ पे प्लेस स्पेस छोड़ दिया, स्पेस क्यों छोड़ दिया, बिकॉज यू कैन राइट 3 जस्ट इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 इक्वल टू यू कैन राइट दैट अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, 3 को लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 3 होता है, इसलिए चेंज किया, क्योंकि इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका बचेगा वो आपका होगा आंसर, दैट इज 8 अंडर रूट 3 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, तो ये जो आंसर है ये आपका टोटल ट्री का हाइट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी जो इस तरह का क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम पता कर सकते हैं।
तो ये सॉल्यूशन करने का तरीका है, आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं उस तरह से इनका सॉल्व करने का प्रोसेस ये है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है दिस इज नॉट हार्ड एंड नॉट बिग, दिस इज वेरी शॉर्टेस्ट सॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ पे जो मेन थिंग्स है दैट इज द डायग्राम, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या है, डायग्राम है। तो अगर डायग्राम आपने सही बना लिया है तो फिर सॉल्यूशन तो शॉर्टकट हैं। यहाँ पे टेन और साइन, साइन अभी यहाँ यूज हुआ है, आगे तो किसी क्वेश्चन में साइन यूज होने वाला नहीं है, सभी क्वेश्चन में सिर्फ टेन ही यूज होगा। तो बहुत आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि प्रॉपर वे में अगर आप जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, फिर वहाँ से अननोन का वैल्यू कितना होगा, उसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं, ठीक है, ही दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोटिस करके रखना है। सो मच, थैंक यू। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years द प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children the C want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slides in each case? So dear, again enjoy the solution of this question. You can see that DE, this is the slider for younger children, and AC, this is the slider. AC means this slider, you can see that this is the slider for older children, okay? And this DE is DE, you can see this one is DE. This is the slider for younger children. So you can construct that triangle or figure just like that you are seeing here. Now, so you can first of all write that DE is the slider for younger children, and AC is the slider. Next one, AC is the slider for older children, therefore how can you find the length of this slider? So first of all we will take the bigger triangle, that is right triangle ABC. What to do? In right triangle ABC, you know that sine theta equal to perpendicular divided by hypotenuse. This is the formula. And why you use sin theta? Because our requirement to find the AC, and AC is the hypotenuse. So we will use this identity, that is this trigonometrical ratio sin theta equal to P by H. And this is, you can write that perpendicular here is AB and hypotenuse is AC.
ओके सो यू विल पुट ऑल द वैल्यूज थीटा इज गिवन दैट साइन 60 डिग्री थीटा इज गिवन 60 एंड ए बी दिस इज व्हाट ए बी इज गिवन दैट हाउ मच 3 मीटर हाइट बिकॉज कंट्रेक्टर वॉन्ट टू मेक इट 3 मीटर हाइट सो यू कैन सी दैट दिस इज यस दिस लाइन इज इंडिकेटेड 3 मीटर सो यू विल राइट हियर 3 मीटर एंड डिवाइड बाई ए सी ए सी इज द रिक्वायरमेंट सो वी विल राइट सेम टू सेम बट डियर यू नो दैट साइन 60 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड 3 मीटर अपॉन ए सी नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट सो व्हाट यू विल गेट दैट इज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट इट एज अंडर रूट 3 ए सी इक्वल टू 2 × 3 मीटर सो डियर यू कैन राइट इक्वल टू 2 × 3 मीटर नाउ ए सी यू विल फाइंड हियर दैट इज ए सी इक्वल टू 6/√3 मीटर एंड डियर यू नो दैट यू कैन रेशनाइज बिकॉज √3 जस्ट इनटू द डिनोमिनेटर सो विदाउट रेशनाइज यू कैन राइट 6 इक्वल टू 2 × 3 तो 2 × 3 तो पहले से ही था तो आप इसको लिखिए 2 × √3 को आप क्या लिखेंगे यस 3 को लिखेंगे √3 × √3 एंड डिवाइड बाय √3 सो डियर यू कैन कैंसिल्ड आउट दिस √3 to √3 एंड रिमेनिंग थिंग्स इज हेयर 2 √3 मीटर सो दिस इज द स्लाइडर फॉर ओल्डर चिल्ड्रन दिस इज द लेंथ ऑफ स्लाइडर therefore लेंथ ऑफ स्लाइडर फॉर ओल्डर चिल्ड्रन दिस इज हाउ मच यस दिस इज 2 √3 मीटर सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इज फर्स्ट आंसर ओके बिकॉज क्वेश्चन सेज द फाइंड द बोथ लेंथ ऑफ द स्लाइडर सो फॉर नाउ फॉर यंगर चिल्ड्रन हाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइडर मीन्स इन ट्राइंगल नंबर दिस इज 2 You will use this triangle number 2 and this one is the triangle number 1 for the older children and this is the triangle number 2 that is the name of triangle is DBE otherwise you can say that EBD so we will write it as in right triangle DBE and again hypotenuse is required so we will use sine theta once again so In right triangle DBE, what to do? Yes, of course, you can do it as in right triangle कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप अगेन यू कैन सी दैट दिस इज ट्रायंगल नंबर 2 एंड ट्रायंगल नंबर 2 इज गिवन दैट DBE सो यू कैन राइट इन राइट ट्रायंगल DBE
एंड यू विल यूज हियर साइन थीटा इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस and you can say that the name of perpendicular is DB and hypotenuse is DE, okay? And also you can say that DB, this is the height 1.5 meter, so 0.5 meter after placing it. So dear, you can write this is DB upon DE. And DB is given that 1.5 meter and DE is same to same because this is required. And also theta is given here 30 degree. So you will put here 30 degree and equal to 1.5 meter upon DE. So sine 30 degree means dear, yes, just on your finger. What is the value? 1 by 2 equal to 1.5 meter and divide by DE. Okay. So what to do? Now by cross multiplication, what you will get? Yes, you will get here 1.5 into 2 and DE, 1 ja DE. So you will write DE equal to 1.5 into 2 meter, that is DE equal to 15 to the 30 means 3.0 meter. So this is the length for younger children. So you can write the final answer for this question, that is length of slider, length of slider for younger children, this is how much? 3 meter. So this is the answer of this second part. That is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो चलिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Enjoy it. Point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. So dear, you know that angle of elevation always make with the ground and the line of sight. So the ground is AC and line of sight is BC. So here is angle with the AC and BC is 30 degree. So this is angle of elevation. So dear, this is known as angle of elevation, that is 30 degree. So you can write this is angle of elevation. Okay. Now dear, if this is angle of elevation, so again the question says that the foot of the tower, point A, this is the foot of tower, and C, this is the point on the ground. And this point C is just 30 meter away from the ground of the foot of the tower. So you will write AC equal to 30 meter and requirement to find the height of the tower. So tower is AB. So we have to consider height of tower is H. So first of all, we will write the details of the question here given just in this. So this is given as the height of tower AB. So you will write AB is a height. AB is a tower
of height h meter, okay, and c is the point on the ground. So dear, you will write here AB equal to h meter, and then AC equal to meter, okay, and angle ACB, that is angle of elevation, this is angle ACB, is given that 30 degree. Okay, so this is the information just into the diagram, so you can write just like that here. Now this is a right triangle ABC, and you can use here because requirement is perpendicular and base is given here already, so you will use trigonometrical ratio, that is since tan theta equal to P by B and P means perpendicular, perpendicular here is AB, and B means this is base, so you can write here AC, and now substitute all the values here. So given values here, tan 30 degree, theta is 30 degree, and AB is height, that is H, and AC is 30 meter. So you know that the value of tan 30 degree is 1 by under root 3 and h by 30 meter, this is same to same. Okay, now by cross multiplication you will get here just like that, you will multiply root 3 to h and 1 to 30 meter, so you will get under root 3h equal to 30 meter, and from here you can write that h equal to 30 by under root 3 meter. So dear, 30 you can write it as 10 into 3 meter, because 10 into 3 is 30, divide by under root 3, and 3 is also written as 10 into 3, you can write just like that, under root 3 into under root 3, and this is meter, divide by root 3. So dear, you can cancel under root 3 from here, you will get 10 under root 3 meter. So this is the h, and h is the height of tower, so you will write final answer for this question, height of tower, this equal to 10 under root 3 meter. So this is the answer of this question. That is, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string due to the ground is 60 degree.
Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. Means जो string है वो आपकी flexible नहीं है, घट बढ़ नहीं रही है, तो उस केस में हमें स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है. तो कैसे पता करेंगे, आइए एंजॉय द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन, सिंस क्वेश्चन सेज दैट ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, सो लेट अस ए सी दिस इज ए ग्राउंड एंड बी इज द पॉइंट वेयर काइट इज फ्लाइंग. सो AB, this is the height of the kite and this is 60 meter. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground and this point is C, just on the ground. Here is the string is tightly attached to the kite and position of the kite is the point B and here is the kite is flying. So our requirement to find the length of the string, okay, and the angle of elevation of this string from the ground is 60 degree. So you will indicate here just like that angle 60 degree. This is angle of elevation. This is angle, okay. And now diagram is complete. So now you can find the length of the string because this length of string is the hypotenuse of this right angle triangle. So we will use the trigonometrical ratio sine theta. Before using this trigonometrical ratio, we will write here description of this question of this diagram. So dear, you will write here that is let a point C on the ground and B is the position of the kite therefore you can write that AB equal to this is 60 meter and angle ACB this is 60 degree and our requirement to find BC this is length of the string. So we will use here in right triangle that is ABC by sine theta equal to you know that perpendicular divided by hypotenuse and perpendicular is given here AB and hypotenuse is AC. Now you will substitute all the values here. So you will get sine 60 degree. Yes, theta is 60 degree. So you will put sine 60 degree equal to AB means this is 60 meter. And AC, this is our requirement. So we will write here same to same. That is AC. Now sine 60 degree you know that this is under root 3 by 2 and
60 meter same to same and divide by AC. So now you by cross multiplication, what you will get, that is you will multiply 2 to 60 and under root 3 to AC. So you will get here, that is under root 3 AC equal to, this is 60 into 2, meter, and you can write that AC equal to 60 to 120 divide by under root 3 meter. Okay, now you will cancel root 3. You can write 120, that is 40 into 3 meter by root 3, and 3 is written as 40 into under root 3 into under root 3 divide by root 3. So now root 3 is cancelled out and you will get it 40 under root 3 meter, and this is the length of a string. So you will write the final answer of this question. Therefore, length of the string equal to 40 under root 3 meter. So dear, this is our answer. So dear, तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।